बेसहारा पशुओं का सहारा बनी सेना की रिटायर्ड अधिकारी पीएम मोदी ने जमकर की तारीफ। आगरा में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या से फैली सनसनी, इकलौते पुत्र की मौत से परिवार में मचा कोहराम। वाराणसी मच्छोदरी की तरह तीन और स्कूल बनेंगे स्मार्ट, पीएम मोदी ने हाल ही में किया था इसका लोकार्पण। कांग्रेस के बाद टीएमसी ने भी उठाए मोदी के मंत्री की नागरिकता पर सवाल, बीजेपी ने पलटवार कर कहा पहले करो साबित। 19 किलो सोना लूटकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से भिड़ंत, एनकाउंटर में दो बदमाश हुए ढेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के इटावा से। इटावा बड़पुरा क्षेत्र के मनकापुर गांव के पास आज संदिग्ध परिस्थितियों में 26 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची थाना बड़पुरा पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जिला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जांच कर कार्यवाही करने की बात कर रही है। थाना बड़पुरा पुलिस को ग्रामीणों ने बताया, मनकापुर गांव के लोग जानवर चराने रेलवे ट्रक पर पहुंचे तो शव को देखा गया, जिसकी सूचना बड़पुरा पुलिस को दी गई। वहीं मृतक युवक के भाई और परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। सर, ये सुबह लेके गए थे हमारे भाई को। कौन? छोटे। कौन? मठीपुरा। किन का लड़का है वो? करू का है। अच्छा, वो लेके गया था। हाँ। तो फिर? फिर सर ये शाम के घर नहीं पहुँचे जी। हाँ, मोदू और साथ में थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपको कब पता चला? हमको सुबह पता लगा सर, जब पुलिस आ गई है तब। अच्छा, आपको पता ही नहीं चला? नहीं, पता ही लगा सर। तो आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इस मृत को? हम कुछ नहीं, आपकी डॉक्टरी कराए इसकी, ये तबियत हकीकत नहीं करेगी। खबर है उत्तर प्रदेश के वदोही से, जहां कोविड 19 के पालन करते हुए नमाज अदा करने वाले लोग, मस्जिद हो या ईदगाह, 50 से अधिक लोग नमाज नहीं अदा करेंगे। 50 से कम लोग नमाज अदा करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। उक्त बातें गोपीगंज कोतवाली में शांति कमेटी की बैठक के दौरान क्षेत्र अधिकारी ज्ञानपुर AK सिंह ने कही। गोपीगंज कोतवाली में पावन पर्व श्रावण माह कांवरिया यात्रा और बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई बैठक में श्रावण मास में पड़ने वाले कांवड़ यात्रा और बकरीद पर्व को लेकर आने वाली असुविधाएं और सरकार के गाइडलाइन का पालन करने की बात क्षेत्राधिकारी ने कही। यहां आपको पढ़ना हो अपना पढ़िए। संख्या कोविड 19 का मतलब पालन करते हुए ये नहीं कि जिसे इकट्ठे भीड़ लगा दिए, ये मानते हुए अभी कोविड खत्म नहीं है। जहाँ मान लीजिए आपकी 150 की जगह है मस्जिद में, तो 100 आदमी पढ़िए, 50 की उसमें जगह छोड़िए थोड़ा दूर हो जाए, इस तरह से। तो संख्या निर्धारित नहीं की गई है कि 5 या 10, 15, 20, ऐसा नहीं है, लेकिन गाइडलाइन का पालन करते हुए कि मास्क सभी लोग लगाएंगे, सैनिटाइजर मास्क अपना अपनी सुरक्षा के हिसाब से। अभी तीसरी लहर की और देशों में पढ़ रहे होंगे पेपर, अभी 111 देशों में चल रहा है। अपने यहाँ भी थोड़ा बहुत उधर केरल और महाराष्ट्र साइड में भी है जी। अभी इधर भले खत्म हुआ है लेकिन उधर अभी है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप लोग कोविड 19 की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे जी जी जी। बकरीद और कुर्बानी में अपने अपने घरों पे कुर्बानी करेंगे जी जी। बड़े जानवर की जैसे ऊंट वगैरह की कुर्बानी नहीं, नहीं, भैंस की होती हमारे बस, ऊंट नहीं होगी, वो नहीं होगी। बकरे की याद खूब करिए, ब्लड वगैरह उनके इधर उधर नहीं गिरे जी, नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सब अपने घर में करते हैं। जो बड़े जानवर अपने हाथे अपने घर में लेके करते हैं, जो भी मलबा निकलता है वो अपने घर में दफन कर देते हैं। मलबा है अपना घर में दफन करते हैं या कहीं एक जगह जिसे नगर पालिका को ही बताया गया है? नहीं, नगर पालिका लगा रहता है वो जी, गड्ढा खोद करके वो करा दे। साफ सफाई सब लोग अपना रखे जी जी, तो सबके लिए फायदेमंद है जी। बराबर। और किसी तरह की दिक्कत कोई होती है तो हमको है SDM साहब को, अपने इंस्पेक्टर साहब को जी जी, सहयोग के लिए जरूरत जो भी हो जी जी, वो आप बताएंगे, हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे, नगर पालिका का सहयोग लेंगे। बिजली पानी आएगी सबको बता दिया गया है, DM साहब ने सबको बता दिया, बिजली वगैरह नहीं कटेगी जी जी जी। यही साहब हमारे आ गए, यही साहब हमेशा बेचारे खड़े रहते हैं, जो हिसाब से अनुरोध है उस दिन देख लीजिएगा,
खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां राजस्थान करौली से दर्शन कर वापस अपने घर फिरोजाबाद लौट रहे पांच दोस्तों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। कार में सवार पांचों दोस्त की गाड़ी सामने से तेज गति से आ रही बुलेरो कार से टकरा गई। मौके पर कार में सवार चार दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं पांचवा दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि पांचों दोस्त माता रानी के दर्शन को राजस्थान करौली अक्सर जाया करते थे। आज भी माता रानी के दर्शन कर वापस फिरोजाबाद अपने घर लौट रहे थे कि तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बुलेरो कार ने पांचों दोस्तों की गाड़ी में टक्कर मार दी और ये दर्दनाक हादसा हो गया। मृतक चार लोगों के परिवार में कोहराम मच गया, वहीं शहर में सनसनी फैल गई। तो जो खत्म हुए हैं वो आपके बेटे थे? बेटा। तो किस जगह से, किस कहाँ पे घटना हुई है ये साहब? धौलपुर से आगे वो है करौली। कितने लोग गए थे साथ में? पांच लोग। तो कितने लोग खत्म हो गए हैं? चार। और एक को घायल है? घायल। वो कहाँ पे है? खबर है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देश अनुसार अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की कार्य योजना प्रचलित है। प्रभारी निरीक्षक थाना रावर्ट्सगंज की संयुक्त टीम गठित की गई। प्रभारी निरीक्षक रावर्ट्सगंज के जरिए मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उड़ीसा से ट्रक द्वारा भारी मात्रा में नाजायज गांजा मादक पदार्थ लेकर तस्कर आने वाले हैं। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर स्वाट एसओजी सर्विस लाइन थाना रावर्ट्सगंज की संयुक्त टीम द्वारा छपका पावर हाउस के सामने मेन रोड पर घेराबंदी करके 10 चक्का ट्रक के साथ दो नफर अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। साथ क्षेत्र अधिकारी नगर की उपस्थिति में पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पकड़े गए ट्रक के कैबिन के अंदर बनाए गए गुप्त रिक्त स्थान पर छिपाकर रखा गांजा पाया गया। इस सराहनीय कार्य को करने वाली पुलिस टीम के उत्साह वर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक जो भुवनेश्वर दिशा से आ रहा है आगरा जाएगा, उसमें काफी मात्रा में गांजा लदा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक वाली रावर्सगंज स्वाट और सर्विलांस प्रभारी टीम गठित की गई, जिसमें कल रात 9 बजे छपका के पास से इस ट्रक को बरामद किया गया, जिसमें लगभग 3 क्विंटल 19 kg गांजा बरामद हुआ है। इसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए की है और इसमें ये 10 टैरा चक्का बरामद किया गया है। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये वहाँ से भुवनेश्वर से आगरा ले जा रहे थे और ये काफ़ी बड़ी मात्रा है और इनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। तो ये इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे और इनको ड्रॉप करना था आगरा में। तो ये बड़ी सफलता है और इसमें 25,000 रुपये का नगर पुरस्कार भी मिल गया। जैसे सर, एसटीएफ ने भी कल 4.5 क्विंटल यहाँ से गाजा और पकड़ा है, बरामद किया है, तो क्या ये सही कार्रवाई है कि दोनों अलग अलग चीज़ें? नहीं, सही कार्रवाई नहीं है, वो अलग था। ये हमारी जिला पुलिस रावर्ट्सगंज इंस्पेक्टर स्वाट टीम प्रभारी और सर्विलांस टीम प्रभारी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।